हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल राकेश मैथमेटिक्स में। आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 2 है। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ इससे पहले लेक्चर नंबर 1 देख लें। लेक्चर नंबर 1 देखने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि अगर आप लेक्चर नंबर 1 को नहीं देखोगे तो आपका कॉमेंट में भर भर के आएगा कि सर हमें यहाँ समझ में नहीं आ रहा है। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप कमेंट करो कि समझ में नहीं आ रहा। इससे पहले आप लेक्चर 1 देखो, फिर लेक्चर 2 को देखो, तो आपको कतई कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो चलिए बात नहीं करते हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और लेक्चर नंबर 2 है हम लोगों का। ठीक है, क्या है तो लेक्चर नंबर 2 है और आज हम लोग बहुपद में क्या क्या पढ़ने वाले हैं मैं थोड़ा बता दूँ आपको। बहुपद में आज हम पिछले लेक्चर 1 में हम एक्सरसाइज 2.1 को ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, और कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरी को भी देखे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 2.1 ख़त्म कर चुके हैं। आज का जो वीडियो होगा हम लोगों का एक्सरसाइज 2.2 यानी एक वीडियो में ख़त्म। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इतना हम क्या है क्या कर देते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे आगे। ठीक है, गौर कीजिएगा, इसमें बहुपद के शून्यक एवं गुणांकों के बीच का संबंध, बहुपद के शून्यक एवं गुणांकों के बीच का जो संबंध होती है, ये क्या होती है संबंध, एक बार हम लोग इसके संबंध के बारे में जान लें फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। किसी रैखिक, क्या बोल रहा है, तो किसी रैखिक बहुपद पी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का शून्यक ए नॉट इक्वल टू जीरो, दो शून्यक हैं, अतः अल्फा एक्स माइनस अल्फा एवं एक्स माइनस बीटा इस बहुपद के दो गुणनखंड होंगे। गौर कीजिएगा, किसी रैखिक बहुपद पी एक्स का शून्यक, ठीक है, किसी रैखिक बहुपद पी एक्स का शून्यक ए नॉट इक्वल टू जीरो, ये जो आप सब बहुपद देख रहे हैं यहाँ पे बोल रहा है ए नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, उसके बाद के दो शून्यक हैं कौन कौन सा है, तो पहला है एक्स माइनस अल्फा, दूसरा है एक्स माइनस बीटा, इस बहुपद के दो गुणनखंड होंगे, यानी कि ये जो बहुपद देख रहे हैं आप इसका दो गुणनखंड भी होगा, दो शून्यक भी होगा। जितना बहुपद पे अधिकतम घात होगा उतना ही उसका गुणनखंड होगा और उतना ही उसका शून्यक होगा। यहाँ तक बात क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। अगला बात आता है कि शून्यकों का योगफल, ये क्या होता है, जब यहाँ पे आप गौर करो, यहाँ पे एक दो गुणनखंड निकला है x माइनस अल्फा, दूसरा x माइनस बीटा, जब इसको x माइनस अल्फा इक्वल टू जीरो करोगे तो x बराबर आप लिख सकते हो अल्फा, x बराबर क्या निकला तो अल्फा, ये जो अल्फा है ये शून्यक है, इस बहुपद का क्या है तो शून्यक है। दूसरा है आपका एक्स माइनस बीटा इक्वल टू जीरो करो तो एक्स का मान निकल के आ जाएगा बीटा, तो ये जो अल्फा और बीटा देख रहे हैं ये इस बहुपद का शून्यक है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल यानी कि ये जो शून्यक अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाय ए, जहाँ ये जो आप बी देख रहे हो ये होता है, ये माइनस फार्मूला में लगाया जाता है, ये जो शून्यकों का योगफल का फार्मूला होता है माइनस बी बाय ए, ये जो बी देख रहे हो ये बी जो होता है वो एक्स का गुणांक होता है और ये ए जो देख रहे हो ये एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। उसके आगे जब आप बढ़ोगे, ठीक है, उसके आगे है एवं शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल का मतलब होता है गुणा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, बोलोगे सर गुणनफल का मतलब क्या होता है, तो बोलोगे अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, तो बोलोगे सर सी बाय ए, सी जो कहते हैं वो अचर पद होता है या फिर एक्स पे पावर जीरो का गुणांक बोल सकते हैं।
क्यों? क्योंकि जब x पे पावर जीरो करोगे तो इसका मान होगा वन, और जब c को वन से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा आराम से c, ठीक है। क्या हो जाएगा तो बोलोगे सर c, तो ये जो c है वो अचर पद भी बोल सकते हैं या फिर x पे पावर जीरो का गुणांक भी बोल सकते हैं, और ये जो a देख रहे हो ये एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। क्या जरा सा भी कहीं दिक्कत है? अगर दिक्कत है तो आराम से आप कमेंट करेंगे, वरना ऐसे ही चुप नहीं बैठेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले देखते हैं कि क्या है। उदाहरण दिया गया है आपका, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है कि 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4 का एक शून्यक निकालें एवं शून्यक और गुणांकों के बीच का संबंध की सत्यता की जाँच करें। इसका शून्यक निकालना है और इसका जो शून्यक निकलेगा उसके बाद इसके संबंध की सत्यता की जांच करना है, जो अभी हम जस्ट पहले बताए कि इसका क्या शून्यक का संबंध होता है, ये उसी चीज़ को चेक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों का काम होगा कि इसका गुणनखंड करके शून्यक निकाल लें। मैंने बताया जब भी बहुपद का शून्यक निकालना हो तो दिए गए बहुपद को जीरो के इक्वल कर लो, जीरो के बराबर कर लो, उसके बाद उसका गुणनखंड कर दो। तो यहाँ पे है 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 4, मैंने बताया इसको जीरो के बराबर कर दो। अब यहाँ पे 3 और 4 को कर दो मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा तो बोलोगे सर 12, ठीक है। 12 को इस तरह से तोड़ो कि जोड़ने पे क्या आ जाएगा, माइनस 7, और मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है। तो यदि हम लोग इसको तोड़ दें 3 × 4 के फॉर्म में, ठीक है, 3 × 4 के फॉर्म में जब इसको ऐड करोगे 3 और 4 तो 7, और मल्टीप्लाई करोगे तो 12, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से इसको ज्यों का त्यों रहने दो। ये जो माइनस 7 आप देख रहे हो, ठीक है, ये जो आप माइनस 7 देख रहे हो इसको तोड़ोगे तो 3x माइनस 4x अब प्लस का 4 तो है ही, कोई दिक्कत, इक्वल में कर दो जीरो। अब यहाँ से 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी 3 कर लो कॉमन, x इसमें भी x इसमें भी x कर लो कॉमन, यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा माइनस 1, यहाँ पे माइनस 4 इसमें भी है, प्लस 4 इसमें, 4 इसमें, 4 इसमें, तो यहाँ पे यदि माइनस कॉमन करते हैं तो यहाँ पे देखो माइनस 4 कॉमन करो तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4, यहाँ बचेगा क्या x। अब यहाँ पे प्लस है, माइनस कॉमन कर लिए तो क्या बचा माइनस, और यहाँ पे 4 था कॉमन कर लिए तो क्या बचेगा 1, इक्वल टू कर लो 0। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बोलोगे नो सर। अब यहाँ पे x माइनस 1, x माइनस 1 तो x माइनस को कर लो कॉमन। अब यहाँ पे बचा 3x माइनस का 4 इक्वल टू कर लो 0, ठीक है। अब यहाँ पे x माइनस का 1 इक्वल टू 0, दूसरी बार 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x का मान क्या निकल के आ गया बोलोगे सर 1, और यहाँ से 3x इक्वल टू कर लो 4, और x का मान क्या आ जाएगा 4/3। तब तक आप इसको लिखो, तब तक हम एक मिनट में यूं गए यूं आए। ठीक है, आई होप कि आपने यहां तक लिख लिया होगा। आइए हम इसके आगे बढ़ते हैं। हमने दो इसका शून्यक निकाल लिया है, पहला शून्यक है 1 और दूसरा शून्यक है 4/3। अब देखिए जो भी क्रियाएं होगी इसके बाद होगी। अब बोल रहा था कि शून्यक निकालें, मैंने शून्यक निकाल दिया, उसके बाद बोल रहा है शून्यक और गुणांकों के बीच का संबंध की सत्यता की जांच करें। तो कैसे जांच करेंगे आइए देख लेते हैं। सबसे पहले आप मान लें, माना कि अल्फा इक्वल टू ये 1 को मान लें और बीटा इक्वल टू आप 4/3, ठीक है, 4/3। पहला बोला कि यदि x का मान निकालना हो गुणनखंड अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए, तो माइनस बी ये माइनस तो रहेगा, b का मान क्या हो जाएगा, इसमें से हम ab का मान निकालेंगे
देखो बच्चे गौर से देखना कि ये ए बी का मान क्या होता है। ए का मान बोलोगे तो हो जाएगा 3, बी बराबर क्या हो जाएगा तो -7, ठीक है, और सी बराबर क्या हो जाएगा तो बोलोगे सर सी बराबर हो जाएगा 4। आई होप कि यहाँ तक समझ में आएगा, कोई परेशानी है क्या? नहीं ना। तो बी का मान क्या निकाले तो -7, तो ये माइनस पहले से था और -7 कर दो। अब पोन में क्या हो जाएगा ए, तो ए का मान क्या हो जाएगा 3। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नो सर, ठीक। चलिए अल्फा प्लस बीटा आराम से हम लोग निकाल चुके, क्या आ गया 7/3। अब देखो अल्फा का मान क्या है तो बोलोगे सर 1, और बीटा का मान क्या निकाला है आपने 4/3। कोई दिक्कत? नो। तो अल्फा प्लस, अब यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 + 4 तो क्या आ गया 7/3। अब देखो LHS बराबर क्या RHS आया, जितना इसका मान उतना ही इसका मान, यही तो करने आपको बोला था कि इसकी संबंध की सतता की जांच करें, क्या अल्फा प्लस बीटा बराबर जितना फार्मूला क्या इसका प्रूफ है? हाँ है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा को आप ऐड करोगे तो 7/3 आया, और जब इसका फार्मूला पे गए तो उसमें उस टाइम भी 7/3 आया, तो ये क्या सत्य है? जी हाँ सत्य है। तो हम लोग थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं और प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आराम से इसको छोड़ दें, ठीक है। तो हम इसको मिटा रहे हैं, फिर बाद में मत ये कहना कि सर आपने पहले ही मिटा दिया, ठीक है। चलिए चलिए यहाँ क्या था 3। अब निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा। जब अल्फा इंटू बीटा को निकालोगे तो क्या होता है C/A। पहले या तो आप RHS को लेके चलो या फिर LHS को। RHS को लेके चलोगे तो अल्फा का मान है 1, ठीक है। क्या है अल्फा का मान, या क्या है यहाँ पे मान के रखे हैं हम लोग, अल्फा इक्वल टू 1, तो अल्फा इंटू 1, और ए बीटा का मान क्या हो जाएगा 4/3, तो इसका मान आ जाएगा 4/3। अब LHS को लेकर के चलोगे तो C बराबर क्या है तो बोलोगे सर 4, तो लिख दो 4। A का मान क्या है बोलोगे सर 3 है, तो लिख दो 3। क्या 4/3 LHS में आया है 4/3? जी हाँ, दोनों इक्वल है, यही तो करने बोला था आपको। सबसे पहले जब भी आपको बोले शून्यक निकालें, फिर शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सतता की जांच करें, तो सबसे पहले आपको जो भी बहुपद दिया रहेगा उसको 0 के बराबर कर लेना है। 0 के बराबर करने के बाद आपको गुणनखंड करके एक शून्यक निकाल लेना है। शून्यक निकालने के बाद अल्फा प्लस बीटा को और अल्फा इंटू बीटा निकाल देना है। आराम से हो गया इसका आंसर, क्लियर। ये आपका 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये थोड़ा लॉन्ग है, तो इसलिए सतर्क रहें, ठीक है। हमेशा कब क्या हो जाए कौन देखा है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए ये है आपका स्क्रीन पे कुछ, यदि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा तथा गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, शून्य अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल दिया हो तो द्विघात समीकरण क्या होगा आपको बताना है। मैंने बताया कि शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योगफल आपको दिया रहे तो समीकरण पूछ देगा, ठीक है, या समीकरण दे देगा, पूछ देगा इसका अल्फा का मान निकालो बीटा का, यानी कि शून्यक ज्ञात करें। तो यहाँ पर आपका शून्यक समझो कि दे दिया है, और यहाँ पर क्या पूछ रहा है तो सब बहुपद पूछ रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल, अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का बहुपद क्या होगा, इसका द्विघात बहुपद क्या होगा, यही आपको बताना है। कुछ नहीं करना है, बस एक चीज याद रखो, पी एक्स बराबर x² - a अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, बस इसको याद रखो, यूं आराम से उड़ जाएगा। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं आपके लिए कि यदि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3 दिया हो, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू दिया हो 4, मान लो 4 दिया है, तो पूछ रहा है कि द्विघात समीकरण क्या होगा, तो मैं बोलोगे सर आपने बताया कि अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस, ठीक है,
प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फार्मूला को आराम से लिख दो। और यहाँ पे देखो कि क्या क्या दिया गया है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो रहेगा ही, माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया गया है 3, तो 3 इंटू एक्स प्लस अल्फा अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है 4, तो यही तो हो गया द्विघात बहुपद, यही तो आपसे पूछा जा रहा था। तो इस टाइप का ऑब्जेक्टिव में आपका आने की संभावना है, तो इसको याद कर लें और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या है यहाँ पे, उदाहरण के तौर पे दिया गया है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएँ हो। शून्यकों का योगफल, पहले है योगफल फिर क्या है गुणनफल, यानी कि पहले दिया गया है योगफल, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है बोलोगे सर 1/4, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है तो बोलोगे सर -1। पूछ रहा है द्विघात बहुपद क्या होगा, तो बोलोगे सर आपने अभी जस्ट बताया पी एक्स बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ठीक है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो जाएगा -1। अब इसको फाइनली लिखो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4, या फिर लिख सकते हो इसको एक्स बाय फोर प्लस सॉरी -1, हो गया इसका आंसर। दूसरा क्या दिया गया है आपका, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है तो √3, और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया गया है 1/3, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है आपको कि द्विघात बहुपद क्या होगा, डायरेक्ट लिख दो पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है तो बोलोगे सर √3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 1/3, यही तो हो जाएगा इसका आंसर। तो अगर आप फार्मूला को याद करोगे, फार्मूला रटे रहोगे, तो आराम से आपका ये सब आराम से ऑब्जेक्टिव में खास करके ये सब पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, आराम से करते जाना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात करें, द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच करें, जो हमने एग्जाम्पल में उदाहरण में मैंने बताया कि कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले मैंने बताया कि जो भी बहुपद दिया रहेगा उसको क्या कर लेना है, तो इक्वल 0 के बराबर कर लेना है, और कोई भी समीकरण बहुपद दिया रहेगा तो उसको क्या कर लेना है 0 के बराबर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू क्या कर दो 0। अब इसका कर दो खंडन, तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या कर ले गए प्लस 2x माइनस का 4 एक्स इक्वल टू सॉरी माइनस 8 इक्वल टू में 0 कर दो, यहाँ से x कर लो कॉमन, ठीक है। तो x बचेगा यहाँ पे क्या बचेगा बोलोगे सर प्लस का 2 बचा। अब यहाँ से कर लो माइनस कॉमन माइनस 4, तो यहाँ बचेगा x, और यहाँ से माइनस कॉमन कर लेंगे क्या बचेगा प्लस 2 इक्वल टू में 0 कर लो। अब यहाँ पे x प्लस 2 इधर भी है, ठीक है, और x प्लस 2 यहाँ भी है, तो x प्लस 2 कॉमन किए तो x और क्या बच गया माइनस का 4 इक्वल टू कर दो 0, तो x बराबर माइनस का 2 और इधर x बराबर क्या आ जाएगा बोलोगे सर 4। ये मान लो कि अल्फा बराबर आ गया माइनस का 2 और बीटा बराबर क्या आ गया, बीटा बराबर आ गया प्लस का 4, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मान लिया अल्फा बराबर माइनस 2, अल्फा और बीटा बराबर प्लस का 4। हम लोगों को क्या निकालना है, शून्यकों निकालना था, शून्यक निकाल चुके, अब क्या करना है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध ज्ञात करना है। तो आराम से हम लोग संबंध ज्ञात कर लेंगे कि संबंध क्या होता है, ठीक है। संबंध ज्ञात करेंगे तो पहले अल्फा प्लस बीटा निकालना होगा आपको, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाय ए, ठीक। तो माइनस बी, माइनस बी तो माइनस तो पहले है, बी का मान क्या है बोलोगे सर माइनस का 2, तो ये माइनस पहले से और माइनस का 2। अब बोलोगे सर ए का मान, तो ए का मान है 1, यहाँ से आप आराम से देख सकते हो, तो क्या आ जाएगा बोलोगे सर 2। अब यहाँ पे अल्फा का मान क्या निकालें तो बोलोगे माइनस 2 और बीटा का मान 4, तो क्या आ जाएगा आंसर प्लस का 2।
क्या LHS बराबर RHS दिख रहा है आपको? जी सर, अल्फा प्लस बीटा जितना है उतना ही फॉर्मूला माइनस बी बाई का मान निकला है। तो क्या ये सत्यापित हुआ? ये तो सत्यापित हो गया, लेकिन एक और चरण तो है सर, क्या है? तो बोलोगे सर अल्फा इंटू बीटा भी तो है, अल्फा इंटू बीटा तो माइनस टू और इंटू फोर कर दो, माइनस टू इंटू फोर तो क्या आ जाएगा निकल के? बोलोगे सर माइनस एट, और तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? बोलोगे सर सी बाय ए, तो सी का मान क्या है? बोलोगे सर माइनस का एट है, तो माइनस एट लिख दो। ए का मान क्या है? तो बोलोगे सर कुछ नहीं तो वन, तो वन लिख दो, तो क्या गया माइनस एट। क्या LHS जितना आया उतना RHS आया? बोलोगे जी सर यही तो है, लिख दो, सत्यापित हुआ। सत्यापित हुआ, ठीक है। आई होप कि ये समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आ गया है तो ये सब सवाल आराम से आपसे बन सकता है, ठीक है। आप आराम से घर पे क्या करना, पेन और कॉपी लेके बैठो और ये सब सवाल को आराम से आप उड़ा सकते हो, ठीक है। हमारी काम है, मेरा काम है दिशा को दिखाना, रास्ता दिखाना, बाकी मंजिल तक आपको चल के जाना है। तो मैंने बता दिया कि किस तरह से कहाँ से चलना है, कहाँ तक जाना है, और आपको इस रास्ते को तय करना है। बाकी अब किस तरह से करते हैं वो आपके निर्भर करता है, ठीक है। जितना मेहनत करोगे उतना ही अच्छे फल पाओगे, ठीक है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल को हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का जो है एक्सरसाइज 2.2 का जो है ये दो नंबर को देख लेते हैं, ठीक है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया गया है। ये आपका योगफल है अल्फा प्लस बीटा। एक नंबर की बात करें तो अल्फा प्लस बीटा बराबर है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया गया है आपका माइनस का 4। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद, तो चलो निकाल देते हैं। तो इसका द्विघात बहुपद क्या होता है? तो बोलोगे सर माइनस होता है, चलो यहाँ से नहीं लिख के यहाँ लिखते हैं। तो पी एक्स बराबर हम लोग को निकालना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ पर आराम से लिखो एक्स स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया गया है? तो 1/4, यहाँ पे माइनस 1/4 इंटू का लिखो एक्स, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है? तो माइनस का 4, तो आराम से मल्टीप्लाई करके लिख दो माइनस का 4, यही तो हो गया आपका हिसाब से। ठीक उसी प्रकार आराम से इसका निकाल लेना और ये फार्मूला पे आप आराम से बैठा देना, तो आपका निकल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, ठीक है। इंटू एक्स यहाँ पे छूट गया है, और प्लस का क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू का बीटा। इस फॉर्मूला पे बैठा देना सभी को, ये हो गया आपका अल्फा प्लस बीटा का मान और ये हो गया अल्फा इंटू बीटा का मान। ठीक उसी प्रकार अल्फा प्लस बीटा का मान अल्फा इंटू बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा का मान अल्फा इंटू बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो इस तरह से इस फॉर्मूले पे बिठा देना और सबका मान आराम से निकल जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए त्रिघात बहुपद के बारे में हमने बताया कि आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहले लेक्चर में हम लोग देखे थे पद के सॉरी घात के आधार पर बहुपद तीन प्रकार का होता है। पहला रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। तो रैखिक बहुपद को हम लोग पढ़ चुके, जिसका अधिकतम घात एक हो रैखिक बहुपद कहलाएगा, जिसका अधिकतम घात दो हो द्विघात बहुपद कहलाएगा। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है और इसके शून्यकों का योगफल माइनस बी बाय ए होता है, उसके गुणनफल शून्यकों का गुणनफल सी बाय ए होता है। यहाँ तक हम लोग क्लियर कर चुके, और आप पढ़ते हैं त्रिघात बहुपद क्या होता है, त्रिघात बहुपद का रिलेशन क्या होता है, इन सभी चीज़ों को हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो एक त्रिघात बहुपद के शून्यक एवं गुणांकों का संबंध पढ़ने वाले हैं, रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशियंट, ठीक है, कोफिशियंट ऑफ क्यूब पॉलीनोमियल, मतलब कि त्रिघात बहुपद का कुछ रिलेशन को देखने वाले हैं। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप,
त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप यानी दिखता कैसा है। अगर आपके रिलेशन में अगर आपके कोई बोल देता है कि आपका पापा कैसे हैं, तो किस टाइप मतलब किस तरह उसका फेस है, पापा का नाम सुनते ही उनका जो कि फेस हमारे माइंड में घूमने लगता है कि अच्छा वो मेरे पापा हैं, उनके बारे में बोला जा रहा है। तो ठीक उसी प्रकार यदि हम त्रिघात बहुपद बोलें तो आपके माइंड में ये चलना चाहिए, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी चलना चाहिए आपके माइंड में कि त्रिघात बहुपद ये होता है, जहां ए नॉट इक्वल टू जीरो, अगर ए जीरो के बराबर कर दिए तो ये त्रिघात बहुपद नहीं कहलाएगा। आई होप कि यहां तक समझ में आया होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे है, माना कि इस त्रिघात बहुपद का शून्यक अल्फा बीटा इंटू गामा है। क्या है? तो अल्फा बीटा इंटू गामा है, अतः अल्फा माइनस बीटा एक्स माइनस बीटा अल्फा एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा, इसके तीन गुणनखंड होंगे। मैंने इससे पहले भी बताया जितना अधिकतम बहुपद का अधिकतम घात होगा उसका उतना गुणनखंड होगा। जैसे रैखिक बहुपद का एक गुणनखंड होगा, द्विघात बहुपद का दो गुणनखंड होगा, त्रिघात बहुपद का तीन गुणनखंड होगा और तीन शून्यक भी होगा। आई होप कि यहाँ तक समझ में आया हो। अब यहाँ पे कुछ रिलेशन दिया गया है कि एक त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यक अल्फा बीटा एवं गामा हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाय ए होता है, यानी शून्यकों का योगफल, त्रिघात बहुपद में शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाय ए, और गुणनफल की बात करें तो अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा, या फिर अल्फा इंटू गामा बोलो तो ये क्या होता है, तो सी बाय ए, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस डी बाय ए। आई होप कि यहाँ तक कोई दिक्कत ना हुआ होगा आप लोग को, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके कुछ एग्जाम्पल को देख लेते हैं। यदि किसी त्रिघात बहुपद पी एक्स के शून्य अल्फा बीटा एवं गामा हो तो, यदि किसी त्रिघात बहुपद का शून्य अल्फा बीटा गामा हो तो इसका आप देखो क्या है कि इसका गुणनखंड दे देगा आपको, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा ये सब दे देगा। उसके बाद पूछेगा कि त्रिघात बहुपद क्या है, जिस तरह से द्विघात बहुपद में अल्फा प्लस बीटा दिया, अल्फा इंटू बीटा दिया, पूछ दिया द्विघात बहुपद क्या है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे दे देगा और पूछ देगा कि त्रिघात बहुपद क्या होगा। तो आपको क्या करना है, बस कुछ नहीं करना, एक सिंपल सा फर सूत्र को याद करना है, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स प्लस सॉरी माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अब कहता है कि सत्यापित करें कि 1/3, 1 एवं माइनस 2 एक त्रिघात बहुपद इतना के शून्यक है, इस बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों के बीच का संबंध ज्ञात करना है और सत्यापित भी करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं, ये जो दिया गया है क्या इस त्रिघात बहुपद का शून्यक है। शून्यक निकालने का बस एक ही फंडा है कि जो भी आपका दिया गया है उसमें रख दो, वो जीरो के बराबर हो जाएगा तो वो शून्यक होगा, अन्यथा नहीं होगा। यहाँ पे देखो पहला दिया गया है 1/2, तो इसमें रख दो 1/2, तो 2 × 1/2 का होल क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 5 × 1/2 प्लस का क्या हो जाएगा 2, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा आपका आराम से 2 × 1/8, 2 का क्यूब 8 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस का क्या हो जाएगा 2। अब इसका क्या कर दो, एलसीएम कर दो, ये कटाओ, 2 × 2 = 4, 4, ठीक है। अब इसका क्या करोगे, बोलोगे सर एलसीएम लेंगे, कैसे, तो आओ बच्चा वाला रूल हम फॉलो करते हैं, 4 × 4 = 2 का एलसीएम निकालो, 4 × 4 = 2 का एलसीएम निकालो, 2 से लगाओ तो क्या आ जाएगा जी, बोलोगे 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, फिर 2 से लगाओ, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 2, मतलब कि क्या आ जाएगा, 2 × 2 = 4, तो इसका एलसीएम निकल के आ गया सर 4। एलसीएम क्या निकल के आ गया, बोलोगे सर 4, यहाँ पे 4 × 1 क्या हो जाएगा, 1 प्लस का 1 माइनस का 10 और यहाँ पे कुछ नहीं, तो क्या हो जाएगा प्लस 8, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा,
हम लोग सही डाले हैं ना जी, वन बाई टू, वन बाई टू, वन बाई टू, वन बाई टू माइनस में, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्या होता है, ठीक। वन वन क्या हो जाएगा, टू प्लस का एट, यहाँ पे देखो वन वन टू प्लस का एट क्या हो जाएगा टेन, और ये माइनस का टेन अपॉन में क्या हो जाएगा फोर, तो दस माइनस दस क्या हो जाएगा जीरो बटे चार बराबर क्या हो जाएगा जीरो। मैंने बताया कोई भी अगर शून्य ज्ञात करना हो, शून्य की जांच करना हो, तो उसको बहुपद में पुट करो, अगर जीरो के बराबर आ गया तो वो उस बहुपद का शून्य होगा। मतलब कि वन बाई टू क्या है, इस बहुपद का शून्य है, ठीक है, है कि नहीं, बोलोगे हाँ सर है। अब आगे बात करते हैं हम लोग इस वन का, वन क्या इस बहुपद का शून्य है, चलो वन पुट करते हैं, तो टू इंटू वन का क्यूब वन प्लस वन का स्क्वायर वन माइनस फाइव इंटू वन हो जाएगा फाइव प्लस का टू, अब यहाँ पे हो जाएगा टू प्लस का वन माइनस सेवन, ठीक है। एक मिनट, प्लस का टू, ठीक है, वही तो हम सोचे, माइनस फाइव प्लस का टू, अब देखो दो एक तीन दो पाँच माइनस पाँच क्या हो जाएगा जीरो, यानी जब वन पुट किए तो ये भी जीरो के बराबर हो गया, तो मतलब वन भी क्या है, तो इसका शून्यक है। अब करते हैं बात माइनस टू की, तो माइनस टू पुट करोगे तो टू इंटू माइनस टू का होल क्यूब प्लस का लिख दो एक्स क्यूब, तो एक्स के जगह पे क्या लिखोगे माइनस टू का एक्स स्क्वायर माइनस फाइव इंटू माइनस टू प्लस का टू। अब यहाँ पे देखो क्या है, तो टू इंटू क्यूब है ना, तो प्लस गुना प्लस, सॉरी माइनस गुना माइनस, प्लस फिर गुना माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस, और दो का घात क्या हो जाएगा आठ, तीन आठ प्लस दो का माइनस दो का स्क्वायर क्या हो जाएगा चार, माइनस माइनस गुना माइनस प्लस दस, और प्लस का क्या हो जाएगा दो। अब जोड़ो आठ दूना क्या हो जाएगा सोलह, प्लस चार दो छः दस सोलह बराबर क्या हो गया जीरो, मतलब कि माइनस टू भी क्या है शून्यक है। आइए हम इसका गुणनखंड की सत्यता की जांच कर लें, ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। अब कहता है कि शून्यकों की संबंध की सत्यता की जांच करें, तो सबसे पहले हम लोग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को निकाल लें, तो ये होता है माइनस बी बाय ए। अब माइनस बी, माइनस बी के जगह पे क्या है, बोलोगे सर ए का मान आ गया दो, बी का मान हो गया वन, सी का मान आ गया माइनस फाइव, और डी का मान आ गया दो। माइनस तो रहेगा, बी का मान क्या है, बी का मान बोलोगे सर वन है, तो माइनस वन, अब बटे ए का मान क्या है टू, तो ये हो जाएगा माइनस वन बाय टू, ठीक है। माइनस वन बाय टू। अब अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा, ठीक है, तो अल्फा का मान क्या है, तो बोलोगे सर वन बाय टू, प्लस बीटा का मान क्या है वन, और गामा का मान क्या है, तो माइनस का टू। अब इसका एलसीएम ले लो टू, तो ये वन प्लस टू माइनस फोर, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा थ्री माइनस का फोर, तो क्या हो जाएगा माइनस वन बाय टू। क्या एल एच एस बराबर आर एच एस है क्या, बोलोगे हाँ सर है, तो ये आराम से सत्यापित हो गया पहला। आ जाओ दूसरा देखते हैं हम लोग, दूसरा निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ठीक है, अल्फा तो इसका होता है सी बाय ए। क्या होता है सी बाय ए, तो सी का मान क्या है, बोलोगे सर माइनस का फाइव, ए का मान है टू, ठीक है, तो माइनस फाइव बाय टू, इसको सोल्यूशन करके आना चाहिए। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा एक बट्टे दो गुना एक, एक बट्टे दो गुना एक, तो क्या हो जाएगा एक बट्टे दो, प्लस बीटा इंटू गामा एक गुना माइनस दो, तो माइनस का क्या हो जाएगा माइनस टू, और गामा इंटू अल्फा, गामा इंटू अल्फा तो टू इंटू वन बाय टू, ठीक है, वन बाय टू इंटू माइनस का टू, तो टू टू खत्म क्या हो जाएगा माइनस का वन, ठीक है। अब देखो एलसीएम लोगे तो टू यहाँ हो जाएगा, ये वन माइनस फोर माइनस का टू, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा चार दो छः में एक घटाओ पाँच, माइनस पाँच बटे दो, क्या ये इसके बराबर है क्या, बोलोगे यस सर आराम से इसके बराबर है,
तो हम लोग इसके बाद चलते हैं। अगला आता है आपका कि अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस डी बाय ए। तो माइनस डी, डी का मान क्या है दो, तो लिखेंगे माइनस दो बटे ए का, सॉरी ए का मान क्या है दो, दो तो लिख दो, माइनस का वन हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वन बाय टू इंटू वन इंटू का क्या हो जाएगा माइनस टू, तो ये टू और टू ख़त्म। अब जब गुना करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस वन, यानी कि एल एच एस का मान जितना आया उतना ही क्या हो गया आर एच एस का मान। तो तीनों आराम से बराबर है, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे संबंध की सत्यता की जांच हुई और ये सत्यापित भी हुआ। ठीक है, और ये सत्यापित हुआ। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया हो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद, और इसी तरह से लगे रहें, जुड़े रहें, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।